बैठ के क्या कर रहा है? सड़क तेरा बाप बनाएगा क्या? ए, 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 ये सब काम देखो। यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनेगी। यहाँ पर कोई सड़क नहीं बना। चलो बंद करो, निकलो यहाँ से, यहाँ से कमती हो जाए। समझ के रखा है तूने? 5 साल सुतियाँ कोई सड़क नहीं बनी। आज ना तो होली है ना दिवाली, फिर सड़क बनाने का कोई शुभ मुहूर्त निकाला तूने? बोल। हाँ शुभ मुहूर्त है, आज एमएलए की भाई की शादी है और पता है शादी में सीएम भी आने वाले हैं, इसीलिए तो ये सड़क बनाई जा रही है। ओए, इतने साल बीत गए, तेरे एमएलए को कभी सड़क के बारे में ख्याल नहीं आया। आज उसके भाई की शादी है और सीएम आने वाला है तो रोड बनाओगे तुम यहाँ पर? हाँ, जरा सीएम को भी एमएलए की करतूत देखने दो। तेरे होते हुए यहाँ कोई सड़क नहीं बनेगी। ये रोड पब्लिक की है और पब्लिक हम है। अबे इस रोड को तैयार होने दे, एमएलए आने वाले हैं। शंभू एक बात समझ ले, तेरे एमएलए की खटिया खड़ी कर देंगे। मैं देखता हूँ यहाँ सड़क कैसे बनती है। हम पब्लिक हैं इसलिए हम जो चाहेंगे वही होगा। एमएलए साहब सड़क बनवाने का काम तो आप भूल ही जाइए। शंभू से बात करो, क्या हो रहा है वहाँ पर? काम ठीक ठाक चल रहा था लेकिन इन लोगों ने आकर के काम बंद करवा दिया। अरे एमएलए के आने से कुछ नहीं होने वाला। अरे कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या दादागिरी है? इन लोगों ने बोला ना सड़क नहीं बनेगी, भगाओ सबको यहाँ से। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हटाओ इनको। चलो, सुना नहीं एमएलए ने क्या कहा? खाली करो, निकलो निकलो। कितने मजदूर काम पर थे? करीब 70 लोग थे। इनकी वजह से उन मजदूरों को भगाना पड़ा है ना? लेकिन मजदूरों के बिना ये सड़क बनेगी कैसे? मजदूरों का इंतजाम हमने कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ सर। इनसे काम हो जाएगा ना? हो जाएगा। ये जो यहाँ नमूने खड़े हैं ना, जो पब्लिक बनकर तुझे धमका रहे थे, उनके माँ बाप भाई बहन पड़ोसी इन सबको उठाकर मेरे आदमी आज यहाँ पे ले आए हैं। ये सड़क तो बनेगी जरूर और इस सड़क को बनाएंगे यही लोग, वरना सबको काट कर रख दूंगा। घेर लो इन सबको। चलो चलो चलो, जल्दी काम करो, ये सड़क जल्दी तैयार होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। मजा आ गया। अपने बच्चे को छोड़, काम कर चुपचाप। देखिए मेरा बच्चा रो रहा है। देख, इसके रोने से ज्यादा इस सड़क के काम को करना जरूरी है, समझी? देखती क्या है? बच्चे के पास जाना है या पति को बचाना है? चल काम कर, जा काम शुरू कर। अरे जल्दी जल्दी हाथ क्यों नहीं चलाते? मन्ना आजा, यहाँ तेरी ही कमी थी। ये हीरो को भी काम पे लगा रहे। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, तब तक निकल ले यहाँ से, वरना क्या करेगा? 1 तू जानता है ना कि मैं कौन हूँ? दो। अरे तू मेरा उखाड़ क्या लेगा? तीन। बहुत हो गया। ए, देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। बहुत उछलता है साला, इसके दम पर। ए, आज इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबकी गर्दन कटेगी। गिनता रहे तू। 4, 5, 6। रहने दो ना भैया, हम सड़क बना लेंगे। इनकी जान का सवाल है, हम गरीब लोग हैं भैया, इनसे लड़ नहीं सकते। 7। सुनो भैया, मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। 8। भैया आप इनसे लड़िए मत, ये बहुत जालिम लोग हैं, हम तकलीफ सह लेंगे, आप जाइए। 9। तैयार हो जा। ए, पागल हो गया है? क्या करेगा तू? पीछे क्यों जा रहा है? मर्द है तो आगे बढ़। माँ का दूध नहीं पिया है? डर गया ना? तो कुछ नहीं कर सकता। अब बोल। आपके बारे में जानता नहीं है। 10। हे, रुको। छोड़ सबको। छोड़ दो, छोड़ो सबको। सालों से सड़क की हालत खराब है, फिर आज तेरी नजर इस पर क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आज तेरे भाई की शादी है और सीएम इसे आशीर्वाद देने आने वाले हैं। सही कहा ना? सीएम यहाँ पर आएंगे जरूर, लेकिन इसी कच्ची सड़क पर सफर करके। अबे ओ चमचे, कितने बजे आएंगे वो? शाम को 4 बजे। हाँ, तब तक तेरा भाई मेरे पास सही सलामत रहेगा। सीएम यहाँ जरूर आएंगे और देखेंगे कि तूने अपने इलाके में लोगों के लिए क्या काम किया है। अब देख कैसे खुलती है तेरी पोल। रुक जाओ। बड़े अच्छे सलाह बनाने वाले। ये कैसा रास्ता है? ये आप एमएलए कल्याण राव से पूछिए। अपने भाई की शादी में हमें बुलाया और इस कच्ची सड़क पर हमसे सर्कस करवा रहा है। कैसा रास्ता है? सड़क ही ऐसी है सर। एक एमएलए जो अपनी सड़कें सही तरीके से नहीं बनवा सकता, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे चलाएगा? तुम जरा गाड़ी ध्यान से चलाओ। ये सड़क तो बैलगाड़ी चलाने के काबिल भी नहीं है। चलो उतारो दूल्हे को। सर लगता है छोटे सरकार आ गए। आइए सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आदमी पब्लिक की सेवा नहीं कर सकता वो भला राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकता है? पहला कर्तव्य है पब्लिक की सेवा करना। अगर तुम यही कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें एमएलए बनने का कोई हक नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इस बार तुम्हें इलेक्शन का टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो ईश्वर की वजह से आपको सीएम टिकट नहीं देते। हाँ तुमने सही कहा भैया, अगर आप कहें तो मैं उस ईश्वर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा। उसकी मौत बहुत भयानक होगी, तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे। नहीं अभी कुछ नहीं, क्योंकि मुझ पर सीएम का बहुत प्रेशर है। अभी मुझे इलेक्शन का टिकट हासिल करना है और फिर से एमएलए बनना है। उसके बाद मैं उस ईश्वर के लिए रचूंगा मौत का तांडव। मेरा रास्ता क्यों रोका? कहाँ जा रही हैं आप? मैं बैंगलोर जा रही हूँ, तुझे क्या? जानता हूँ मैं क्या बैंगलोर नहीं जा रही हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आपको सीट नहीं मिलेगी। तो क्या बिना टिकट के जाना है? तू रोकेगा मुझे? ये रोकेगी? हाँ मैं रोकूंगी। क्यूरी, अब तू अपने भाई का साथ देगी? देख ईश्वर, मैंने तुझे कई बार समझाया लेकिन आज तक तूने मेरी बात सुनी है? उस एमएलए के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। देख, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं भी घर पर नहीं आऊँगी, कहीं और जाकर रहूँगी। क्या माँ, अपने ही बेटे से कैसी नाराजगी? चलो अब जल्दी से घर चलो। हम इन्हें जाने बिल्कुल नहीं देंगे। माँ जी, अपने बेटे से नाराज मत होइए, ये मेरी गारंटी है कि वो आपकी हर बात मानेगा। चुप रहे, ऑटो चलो। नहीं बहन जी, मैं आपको अपने ऑटो में बैठा कर नहीं ले जाऊँगा। आपके बच्चे आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं, ऐसा कीजिए, अपना सामान लीजिए और घर जाइए। ऐसी औरत हैं आप। अरे आप चलिए, मान भी जाओ ना माँ। दरवाजा खुला हुआ है। अरे सुनो, घर पर इस वक्त कोई है नहीं क्या? क्यों, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? मैं सेंसस डिपार्टमेंट से आई हूँ, इसका मतलब जानते हो क्या? जानता हूँ। चलो चलो, कुर्सी ला के दो। भाई, ये लो, बैठो। ठीक है ठीक है, बताओ घर पर कौन कौन रहता है? अच्छा, सबके नाम चाहिए? राम खिलावन हरजाई। राम खिलावन हरजाई। फखरुद्दीन कसाई। फखरुद्दीन कसाई। हाँ। बंसी लाल मलाई। बंसी लाल मलाई। नेक्स्ट वीरपन कलई है ना? अरे कमाल है, आपको क्या सबके नाम पहले से ही मालूम है? देखो, ये शेरो शायरी से नाम बनाने का स्टाइल पुराना हो गया है। चलो नाम बताओ। वीरपन। वीरपन कलई। रकपन। रकपन भलाई। इन लोगों के अलावा इस घर में मेरी माँ भी रहती है और एक मेरी छोटी प्यारी बहन और उसका भाई ईश्वर। वो कौन है? वो मैं हूँ। इतने लोगों में घर पर सिर्फ तुम ही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे यहीं रहते हैं लेकिन अभी बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सच कह रहे हो ना? अब मैं आपको क्या बताऊं, उसके आगे किसी की नहीं चलती। देखो बहुत हो चुका, और कितना ड्रामा करोगे? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर मैं चाहूँ वोट नहीं कर पाओगे, समझे? मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, पब्लिक की सटक जाए ना तो गवर्नमेंट को हिला कर रख दे। बड़ा बदतमीज आदमी है। हेलो, तुम वहां क्या कम बदतमीजी की थी जो तुम मुझे यहाँ पर भी मिल गए? एक्सक्यूज मी। क्या है? लगता है आप मेरे घर जाकर मेरे जुड़वा भाई से मिलकर आई है। जुड़वा भाई? जी हाँ, लेकिन आप? वोटर्स लिस्ट बनाने आई हूँ। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? आइए आइए प्लीज, बैठिए बैठिए, आइए प्लीज, आइए आइए बैठिए ना। हाँ। ओह, काफी गर्मी है, पंखा चला देता हूँ। मैडम, आप क्या पीना पसंद करेंगी? बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ और? आप कितनी तमीज से पेश आते हैं, और आपका भाई नालायक, गधा और एक नंबर का खड़ूस है, और आप सॉफ्ट है, डीसेंट है, एक परफेक्ट जेंटलमैन। अगर आप दिन है तो आपका भाई रात है। लोग आज भी गांधी जी को याद करते हैं, नथुराम गोडसे को नहीं। क्या बात है, आपके विचार कितने ऊंचे हैं। और आपके भाई के पास मैं वोटर्स लिस्ट बनाने के लिए गई तो उसने मेरा कितना मजाक उड़ाया। खैर बताइए, आपके घर पर कौन कौन है? हाँ, बैठे ना। लिखिए। हाँ। गांधी, इंदिरा गांधी, एमजी रामचंद्रन। हाँ, ये सभी यहीं रहते हैं। इसके अलावा एक नाम और लेना चाहूंगा, रजनीकांत। मैं इन सब लोगों से यहाँ पर मिलना चाहूंगी। आइए प्लीज। सबसे पहले किससे मिलेंगे आप? गांधी जी। हाँ? और वो रही इंदिरा गांधी, एमजी रामचंद्रन, रजनीकांत। तुम भी वैसे ही निकले, तुम्हारा भाई अजीब नाम ले रहा था और तुम हो कि इन लीडर्स के नाम ले रहे हो। गुस्सा मत होइए, वो बात ये है कि ये सब लोग मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। वैसे आप भी बन सकती हैं। हे, तुम फ्रॉड हो, तुम्हारा भाई फ्रॉड है, पूरी फैमिली फ्रॉड है। मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तो एक मिनट मैडम रुकिए, आप चाहे तो पुलिस स्टेशन जाइए या चाहे तो कमिश्नर के ऑफिस, लेकिन वहाँ से आपको भेजा जाएगा मेंटल हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि वही ये है और यही वो है। हाँ? वो इसका घर था और ये ऑफिस है। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, इस मजाक का मैं बदला लेके रहूंगी। अब क्या करना क्या है, अब काम शुरू करते हैं। क्या हुआ रे भाई? ये कालू बुरी खबर लाया है। हा? कौन सा खबर? वो रिपोर्टर सतीश आपकी बहन के साथ घूमता फिरता है। वो कमीना हमारा बहन से मिलने को आया, उस पे स्पॉट लगाना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना भाई, लेकिन आपकी बहन भी उससे बहुत प्यार करती है। ये खबर पक्का क्या रे? हाँ भाई, दरअसल आपकी बहन उसके साथ फिल्म देखने गई थी। लड़का का फेस देखा तू? नहीं, उसे नहीं देखा। ये मैटर क्लोज करने का और इसका जिम्मेदारी मैं तेरे को देता। हाँ भाई, वो लड़का हमारी बहन से मिलने को जरूर आएगा। वो आएगा और उसका स्टोरी हो जाएगा ओवर। क्या करें, वो भी तक आया ही नहीं। एक बार वो सामने तो आ जाए, काट के रख दूंगा उसको। पकड़ो उसे। अरे डर के क्या भाग रहा है? बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, भाई राजा की बहन के साथ शादी करेगा। हटो, छोड़ना मत इसे। तूने उस लड़की से प्यार करने की हिम्मत कैसे की? पता मुझे साले, जानता है वो किसकी बहन है। मारो, मारो दो इसे। मारो, टांगे तोड़ दो इसकी, तुम्हारा सारा कभी चल ना पाए। मारो उसको, बचना नहीं चाहिए आज। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो उसे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो उसे। क्यों मारे हो इसे? क्या किया इसने? ए, तू कौन है रे छोकरी? हमारे भाई राजा की बहन के साथ उनकी मर्जी के बिना कोई शादी नहीं कर सकता। अरे अरे, मैं तो कोरियर वाला हूँ, मैं तो बस कोरियर देने आया था। क्यों री, अपने प्यार को बचाने के लिए तू इस बेकसूर को मार पिटवा रही थी? हाँ, बड़ी हिम्मत दिखाई तूने। वो लड़का कौन है? इन्हें चुपचाप बता, नहीं तो मैं बताती हूँ। कहा ना, तू बता नहीं तो मैं बताती हूँ। तू ही बता। बताती हूँ, उसका एड्रेस लिखो। नहीं दीदी। कहा ना, उसका एड्रेस लिखो। लिखो रे। नंबर 10। प्लीज कुछ मत कहिए। जीवन आश्रम, कामराज नगर, गांधीपुरम। उसका नाम बता। ईश्वर। चलो रे, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। दीदी, आपने उन्हें गलत आदमी का क्यों बताया? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। याद रखना, लोहे को सिर्फ लोहा काटता है। ए, रुक जा। चल निकल बाहर साले। एक्शन हीरो से लड़ने से पहले ये तो बताओ कि तुम पंगा क्यों ले रहे हो, क्यों पिटना चाहते हो? आज पिटेगा तो तू साले। जरा प्यार से बात करो यार, मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? हमें कौन बचाएगा? साला हमें धमकी देता है। एक बात सुन, मेरे हाथ पर यह तावीज बंधा हुआ है और जब तक ये बंधा हुआ है मैं अपने गुस्से पर काबू रख पाऊंगा, लेकिन एक बार ये तावीज टूट गया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब पंगा लेना है तो आ जाओ। अपने आप को हीरो समझता है? अभी तुझे ठीक करता हूँ। तेरी तो ये लो, शुरू हो गई एक्शन पिक्चर। तू अपने मसल्स क्या दिखा रहे हैं यहाँ? छुपा के रख, वो डर जाएंगे वरना। पंगा ले लिया ना? अब देख तेरा कीमा बनाता हूं मैं। अरे सुन बंसी, इनका लाइव टेलीकास्ट करें क्या? कुछ तो शर्म कर। चलो खबर लेते हैं साले की। नीचे देख। तू लड़ने तो बहुत स्टाइल से आया था, लेकिन ये बता दे कि तू मुझसे लड़ने क्यों आया था? मुंह खोल। आपको एक लड़की से तो प्यार हो गया, इसलिए हम आपको मारने आए थे। किसकी बात कर रहा है? भाई राजा की बहन लक्ष्मी की। मिलना पड़ेगा उस लड़की से। ए, हमारा कोई चक्कर है? तू मुझसे प्यार करती है? नहीं तो फिर हमारी ये झूठी लव स्टोरी क्यों फैला रही है तू? यूं ही का मतलब? वो टाइम पास के लिए तुझे मैं ही मिला क्या? एक रपाड़ा लगाऊंगा। मेरा कोई कसूर नहीं। क्या मतलब? बात यह है कि मुझे एक लड़के से प्यार है, लेकिन मेरा भाई नहीं चाहता कि मेरी शादी उस लड़के से हो। इसीलिए मेरे भाई ने उस लड़के को मारने के लिए अपने सारे गुंडे भेज दिए। उसे बचाने के लिए उन्हें आपका एड्रेस दे दिया। क्या? मेरा एड्रेस दे दिया? मैंने नहीं। किसने? किसने? ए, तो इस सब के पीछे तेरा हाथ है। बहुत प्यार बनती है। तुमने कहा था तुम पब्लिक सर्वेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सोशल वर्क का काम दिया। बहस मत करो, पहले इसकी मदद करो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक बात बताओ, तू उससे प्यार करती है ना? हाँ करती हूँ। अब आप ही हम दोनों की शादी करवा सकते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होकर रहेगी, और वो भी तुम्हारे भाई के सामने। क्यों आ रहे तू? सुनो दोस्त, हाँ? इसे पहना दो। इसमें इतना डरने की क्या बात है? अब तुम उसके जीजा बनोगे और वो तुम्हारा साला, तो डरो मत, आगे बढ़ो। मैं तेरे को बोला रुक जा। तू किससे पूछ के हमारा बहन से शादी करता रहे? इन दोनों की शादी मैं करवा रहा हूँ। हमारा फैमिली मैटर में तू इंटरफेयर किया, मैं जब बाहर आएगा तेरे को बाहर ही पड़ेगा। जिस दिन बाहर निकलेगा ना, उस दिन बात करना। अगर मेरे सामने आया तो काट कर रख दूंगा। अपनी औकात में रह। जाता किधर है? चल वापस इधर आ। क्या बात है माँ? तुझे उन दोनों की शादी करवाने की क्या जरूरत थी? उसका भाई एक गुंडा है जो जेल में है और तू बड़ी शान से उस मुजरिम से दुश्मनी ले बैठा। मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तेरी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। क्या हमारी तरफ तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बता, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया? बता। उनकी शादी ही तो करवाई है मैंने, पुण्य का काम किया है, कोई पाप नहीं। देख, मुझसे वकीलों की तरह बहस मत कर, मेरी कसम खा कर कहे कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अब मुझे ये कसम वसम मत खिलवा। चल कसम खा। माँ, कहा ना मेरी कसम खा। मैंने कहा ना मेरी कसम। देखो भैया, शायद आपको माँ की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी छोटी बहन के हाथ पीले नहीं करवाओगे। उन गुंडों से लड़ना ही आपकी जिंदगी का मकसद बन गया है। कोई बात नहीं माँ, मैंने अपने लिए लड़का खुद ही पसंद कर लिया है। मेरी कसम खाइए कि जिस लड़के को मैंने पसंद किया है आप उसी से मेरी शादी करवाएंगे, ठीक है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप मेरे भाई नहीं। तू तो बड़ी समझदार है, शायद अब तेरे भाई की समझ में कुछ आ जाए। देख ईश्वर, अपनी बहन की बात तुझे माननी होगी, अपने फर्ज से तू मुंह नहीं मोड़ सकता। ये तेरी इकलौती बहन है, ये याद रखना। मैं खाना बनाती हूँ। एक बात सुन, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे सपोर्ट करने के बजाय तूने माँ का साथ दिया और मुझे बताए बिना तूने लड़का अपने आप चुन लिया, क्या हो गया तुझे? सच बताऊँ आपको, मैंने कोई मंगनी नहीं की। क्या मतलब? टन टन। इसका सहारा लेकर मैंने अपनी मंगनी की एक छोटी सी कहानी बना दी। इससे पता चला कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। हा? कैसा लगा आइडिया? मेरी प्यारी बहन। अरे माँ। दीदी तुम भी खाना खा लो ना। बाद में खा लूंगी। अरे जाओ भी। एक मिनट, वो उधर लाल शर्ट में जो बैठे हैं ना। हाँ बहन, क्या बात है? उन्हें लड्डू बिल्कुल मत देना। क्यों? शुगर पेशेंट। सुनिए भाई साहब, वो जो उधर लाल शर्ट में बैठे हैं ना। जी हाँ। उन्हें अंडा बिल्कुल मत देना। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें गैस ट्रबल है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। जरा रुकिए, वो जो उधर लाल शर्ट में बैठे हैं ना। जी हाँ। उन्हें मछली मत देना। वो क्यों? वो शुद्ध शाकाहारी हैं, देखो ना अंडा भी नहीं लिया। ठीक है, नहीं दूंगा। वो जो उधर लाल शर्ट में बैठे हैं ना। जी हाँ। उन्हें मटन चिकन बिल्कुल मत देना। क्यों बहन? क्योंकि उन्हें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। आप उनकी कौन लगती हैं? मैं उनकी मंगेतर हूँ। इसीलिए इतनी फिक्र है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खाना परोसने में तकलीफ हो रही है। तुम में से कोई भी मेरे पत्ते पर खाना नहीं परोस रहा है। इसके पत्ते पर भी खाना है, इसके पत्ते पर भी खाना है और उसके पत्ते पर भी खाना है। सिर्फ मेरे पत्ते पर परोसने में तकलीफ हो रही है। तेरी तो। कौन है यहाँ का इंचार्ज? अच्छा तो तू है। नाम बता। जी मैं यहाँ का इंचार्ज पांडे। खाने का टेस्ट कैसा लगा? एक झापड़ लगाऊंगा, मुझे खाना ही नहीं दिया गया। ये कैसे खाऊं? तो टेस्ट बताओ ना। ये तो सरासर गलत बात है। अरे इधर आओ ना साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों ने इस सज्जन आदमी को खाना नहीं दिया। वो क्या है कि इनको गैस ट्रबल है इसलिए नहीं दिया। गैस? ये तो शाकाहारी हैं, मछली कैसे देता है? मैं शाकाहारी? इनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी है, इनको मटन कैसे दें? कोलेस्ट्रॉल? इनको शुगर भी है इसलिए मैंने लड्डू नहीं दिया। अच्छा शुगर, इधर आते। ये तुझसे किसने कहा? आपकी मंगेतर ने। मेरी मंगेतर? हाँ भाई साहब, नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ा? बता कहाँ है वो? वहाँ। तो तू मेरी मंगेतर है? हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें मान लिया है, अब मुझे अपना लो तो बात बन जाए। वैसे भी दोस्ती प्यार में तो बदल ही जाती है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तो तूने इनसे सच कहा? बिल्कुल सच कहा, इन मामलों में झूठ नहीं बोलते, दिल की बात है ना। इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। मौजूदा एमएलए कल्याण राव भी इस बार चुनाव में खड़े होंगे। चलो हटा हटा। नमस्ते 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 नमस्ते। एमएलए साहब, मुझे पूरा यकीन है इस बार भी इलेक्शन आप ही जीतेंगे। इसलिए मैं तो आपको एडवांस में माला पहनाने आ गया। हो गया, अपनी बकवास बंद करो। अभी तो सिर्फ इन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है और तुम लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी चमचागिरी शुरू कर दी। इलेक्शन में क्या होने वाला है हमें भी नहीं मालूम और तुम यहाँ पर जीत की माला लेकर खड़े हो गए बेवकूफ। चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े मगर इस इलेक्शन में मैं हारूंगा नहीं। राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो। अपना कीमती वोट इन्हीं को दीजिए। राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो। अपना कीमती वोट इन्हीं को दीजिए। राजगोपालाचारी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अपना कीमती वोट इन्हीं को दीजिए। राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो, राजगोपालाचारी की जय हो। नमस्ते सर। नमस्ते। ये लीजिए सर, अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दीजिए। इन्हें ऑर्डर देता है, आखिर तू है कौन रे? इनसे तमीज से बात करो। तुझे नजर नहीं आता है क्या? ये कल के होने वाले एमएलए साहब हैं। इस बूढ़े ऑफिसर की औकात ही क्या है, काट कर रख दूंगा। ज्यादा बोलेगा तो। कौन हो तुम भाई? राजगोपालाचारी साहब, आप तो सरासर गुंडागिरी पर उतर आए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे उठाए, चलो मारो गुंडे को। बचाओ। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मेरे नाम से गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? बंद कर। एक बात समझ लीजिए, अब मैं आपको ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ने दूंगा। आप एक क्रिमिनल हैं। इंस्पेक्टर ले जाओ इन्हें। चलो अफसर, चलो पुलिस लोगों की हवा खिलाफ आप मुझे नहीं किया। चल, इलेक्शन लड़ने का शौक था ना, अब पूरा हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंद कर। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, ये चाल कल्याण राव की है। मेरे साथ धोखा हुआ है। आप पर गुंडागर्दी का आरोप लगे। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कोई गुंडा लगता हूँ? मेरी बात सुनो, मैं एक अहिंसावादी हूँ। मैंने जिंदगी भर गांधी जी के रास्तों को अपनाया है, लेकिन आज मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए हर तरह की चालें चली जा रही हैं। सत्य की राह पर चलने के लिए यही कीमत चुकानी पड़ती है। छोड़ो मुझे। एक दिन आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं हमेशा अपने आदर्शों पर चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी राह से बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा। मैं कल्याण राव को बता दूंगा कि उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। बहुत हो गया। अंत हमेशा सच की होती है, उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। वो राजगोपालाचारी गुंडागर्दी के आरोप में अंदर हो गया। अब उसके सारे वोट हमको ही मिलेंगे। जीत अब हमारी ही। सही कहा, वोट सारे हमको मिलेंगे और उसको पड़ेंगी खूब सारी गालियाँ। हमारे एमएलए तो पहले तो तुम उस पार्टी में थे, अभी एमएलए बने भी नहीं और तुम इनके चमचे बन गए। एमएलए बनने से इस बार मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। सर कौन? सर, आपकी सारी मेहनत तो बेकार हो गई। आपके सामने एक और बंदा खड़ा हो गया। कौन है वो? अबे चलो, ऐसे बाहर निकलो। इन बंदरों को इकट्ठा करके तू हमसे टक्कर ले रहा है। तू अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है? बच्चे, तेरे को पता नहीं हम लोग कितने खतरनाक हैं। इस इलेक्शन में लड़ने के बारे में सोचना भी मत और ऐसे मुझे घूरना भी मत, नहीं तो तेरी आंखें नोच लूंगा। मेरे भाई से कोई भी जीत नहीं सकता। नॉमिनेशन फॉर्म भरने में 3 मिनट बचे हैं। वक्त बीत जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कहा? तुम इलेक्शन लड़ोगे? मुझ पर हंसी मत। मैं ये शेर की खाल पहनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि समाज को आज मेरे जैसे इंसानों की जरूरत है। इसलिए मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। हमारा नॉमिनेशन जल्दी फाइल कीजिए, हम जीतने की जल्दी में हैं। सर, आप ज्यादा देर मत कीजिए। नॉमिनेशन फाइल करने की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पहले पूरी की है। मैं तो डिपॉजिट मनी भी लेकर आया हूँ, ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। 1 मिनट बाकी है। थैंक यू सर। अब टाइम निकल गया। टाइम तो तेरा निकल गया बे। एक बात समझ मुन्ने, नॉमिनेशन फॉर्म तो भर दिया गया है, इलेक्शन ऑफिसर का स्टैंप भी लग चुका होगा। ये कैसे हो सकता है? तू तो यहाँ खड़ा हुआ है। जरा उधर देख। हमारे जिंदाबाद की तो अभी मुर्दाबाद करते हैं। ओम शक्ति, परम शक्ति, ओम शक्ति, परम शक्ति, ओम शक्ति, परम शक्ति। ईश्वर, मुझे लगता है कि माता के आशीर्वाद से हम ये इलेक्शन जरूर जीत जाएंगे। ओम शक्ति, परम शक्ति, ओम शक्ति, परम शक्ति, ओम शक्ति, परम शक्ति। अरे ये क्या, आज हैवान भगवान के घर कैसे आ गया? अपना मुंह बंद कर वरना चप्पल से मारूंगा, समझा? वैसे सच कहूं तो तेरी चप्पल की जगह तेरे सर पर ही है। ए, बहुत बोलता है रे। तेरी तो ईश्वर। अगर तू ऐसी हरकत करेगा तो ये जनता तुझे वोट क्यों देगी? जरा इस तरफ भी पलट। ये वही जनता है जो सरकार बनाती भी है और गिराती भी है। इलेक्शन के मौके पर इनकी नजरों में गिरना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। हथियार गिराने में ही तेरी भलाई है। अगर मैं गलत हूं तो मार मुझे। अरे सोच क्या रहा है? इलेक्शन में मुझे यही लोग वोट करेंगे, इसलिए मैं तुझे इन लोगों के सामने मारूंगा नहीं। बस एक बार ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद। अरे सर बोलो तो मैं से काट दूं। ये क्या ईश्वर, जब भी मैं कुछ करने की हिम्मत जुटाता हूँ तो ये एमएलए हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इससे हमारा पीछा कब छूटेगा? तुमको तो इससे लड़ने का शौक सा हो गया है, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? ये गधा कब सुधरेगा बताओ। मेरी बात सुनो ईश्वर, तुमने ये सही नहीं किया। वहाँ देखो कौन खड़ा है। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। एक बात सुनो बहन, मैं भी आपकी तरह माँ हूँ। आप अपने बेटे को समझाइए। हम गरीब सीधे साधे लोग हैं, दुश्मनी लेना हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। अगर मैं कुछ कहूँ तो उस पर विश्वास करोगी? मैंने जिंदगी में कई लोगों को राह भटक कर बर्बाद होते हुए देखा है। तकलीफें तो हम सभी पर आती है बहन, इसीलिए हमें खुद को भगवान के चरणों में सौंपना चाहिए। आप अपने बेटे को तिरुवन्नामलाई ले जाइए। उस मंदिर की महिमा तो सचमुच अपरंपार है। सिर्फ एक बार अपने बेटे को वहाँ पर ले जाइए, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वहाँ पर आपको एक स्वामी जी मिलेंगे, उनसे अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाइए। स्वामी जी का नाम? गुरु जी। वो कहाँ मिलेंगे? तिरुवन्नामलाई मंदिर में। ये तिरुवन्नामलाई जाने की क्या जरूरत है माँ? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वहाँ तो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वहाँ इसका क्या काम? ये वहाँ जाके क्या? मैं तो कहता हूँ वहाँ जाके कोई फायदा नहीं। ए, अपना मुंह बंद रख। ए, चुपचाप खड़ा रहे। ईश्वर तुझे मेरी बात माननी होगी, चल मेरे साथ। माँ तुम भी। तू बैठा रहा, तू कहाँ चल दिया? अगर तू चला जाएगा तो हमारे इलेक्शन का क्या होगा मालूम है? मुझे इलेक्शन में खड़ा करके मुसीबत में डाल दिया और खुद अपनी माँ के साथ मंदिर जा रहा है। माँ जी सही कह रही हैं, तुझे वहाँ चले जाना चाहिए। एक बार जाने में हर्ज ही क्या है। ए, क्या रे तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? मंदिर में तो बाद में भी जा सकते हैं। ईश्वर पहले इलेक्शन हो जाने दे, अब चल, यही सही होगा। एक मिनट, आज मुझसे ज्यादा अहमियत तू इन्हें दे रहा है। माँ ये बता तुझे अपनी माँ प्यारी है या नहीं? देख माँ एक बार हो जाने दे, फिर तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा, ठीक है? चलो। ईश्वर आप सभी अपने प्यारे एमएलए से मिलने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कोई लीडर है तो वो ये हैं। अगर हमारा कोई भाग्य विधाता है तो इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये एमएलए रहेंगे तो विकास होगा, इनकी छत्रछाया में प्रगति होगी। हम इन्हें वोट देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, यही हमारे एमएलए हैं, सब लोग इन्हीं को वोट करेंगे। भाइयों और बहनों, यही वो इंसान है जो हमारे आंसुओं को पोंछ सकते हैं। ऐसे नेता के लिए तो हम अपनी जान दे सकते हैं। ये हम सबके माई बाप हैं। चकली खाइए, बड़े खाइए, गर्मा गर्म बड़े हैं, सबके लिए लाया हूँ मैं। चकली बड़े खाइए और मुझे वोट दीजिए। देखिए सर, बंसी बड़े बेच रहा है। ताज़ा ताज़ा बड़े खाइए और मुझे जल्दी से वोट कीजिए। हमसे मुकाबला करने चले थे, देखो आगे साले औकात पर। भैया उधर देखो, कॉफी 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 लो, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी कॉफी, बड़े बड़े गर्मा गर्म बड़े, लो भाइयों कॉफी लो, गर्मा गर्म कॉफी, बहुत बढ़िया कॉफी है। अरे घटिया लोग, ये बड़ा और कॉफी बेचने वाले लोग हमारे MLA के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप ही बताइए ऐसे घटिया लोग इनकी क्या बराबरी करेंगे, ये भला जीत भी कैसे सकते हैं। B for ball, C for cat. नमस्ते टीचर, वोट मुझे ही करना। नमस्ते नमस्ते टीचर, नमस्ते। इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, वोट मांगने आया हूँ आपका। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप यहाँ वोट मांगने आ गए, जरा भी अक्ल नहीं है आपको। मैं आपको भला वोट क्यों करूँ? पिछले 5 साल से MLA बनकर बैठे हैं आप, ये बताइए लोगों की क्या सेवा की है आपने? दरवाजा बंद कर। क्या कहा? तो मुझे वोट नहीं करेगी? होने वाले MLA से बदतमीजी, ठीक है, मगर भारी पड़ेगा। मेरे पास बेशुमार दौलत है, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, गांव के गांव खरीदने की औकात रखता हूं मैं। इस गांव के आसपास के 500 एकड़ जमीन का मालिक हूं मैं। खैर ये सब छोटी मोटी बातें इन सबको बताकर वक्त क्यों बर्बाद करना। हाँ लेकिन ये तो सुना होगा ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, पर तुम्हें इजाजत है। अच्छा लगा तुम्हारा भाषण, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन बात सिर्फ भाषण तक ही रहे तो अच्छा है। मुझसे उलझने वाले बहुत आए और चले गए, मुझे कोई हिला नहीं पाया। टीचर की बात मुझे अच्छी लगी, बहुत बहादुर है ये। मुझे आप जैसे लोगों के वोट की ही जरूरत है, वोट जरूर दीजिएगा। देखिए सर, हमने इलेक्शन की बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, लोगों को इकट्ठा भी किया है और इनके खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छी तरह से किया है, सब ठीक ठाक है। भैया सबको पेट भर खिलाया पिलाया है, अब ये सब आप ही के लिए वोट करेंगे। इसी तरह बाकी गांव में भी लोग हमारी तरफ ही हैं। वो सब तो ठीक है सर, तैयारी तो हमने पूरी की है, लेकिन फिर भी अगर दुश्मन जीत गया तो क्या होगा? अपना मुंह बंद रखो। सुनिए सर, आपके अलावा इन लोगों का है कौन? इनको पीने के लिए शराब और खाना खाने के लिए कौन देगा? आप ही तो इनके सब कुछ हैं। और तू रहा है कि हम इलेक्शन जीतेंगे कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे उजड़े चमान। सर ये बताइए कि किस माई के लाल में आपको हराने का दम है, बताओ। मैं जानता हूँ कि इस बार भी इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। मेरे खिलाफ कौन जाएगा? पिछले इलेक्शन में सिर्फ इस गांव के लोगों ने वोट किया था, इस इलेक्शन में आसपास के सारे गांव के वोट्स मेरे होंगे। सर 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 जल्दी उठ जाइए, गजब हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया। वो ईश्वर ने आपको कैमरे पर उतार दिया और आप होश में तो है ना तू? बिल्कुल होश में हूँ सर, आप चाहे तो खुद जाकर TV देख लीजिए, जाइए खुद ही देख लीजिए। अपने पति को कभी नहीं देखा? चल काम कर। ए कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या दादागिरी है? इन लोगों ने बोला ना सड़क नहीं बनेगी। ये जो यहाँ नमूने खड़े हैं ना, जो पब्लिक बनकर तुझे धमका रहे थे, उनके माँ बाप भाई बहन पड़ोसी इन सब को उठाकर मेरे आदमी आज यहाँ पे ले आए हैं। ये सड़क तो बनेगी जरूर, और इस सड़क को बनाएंगे। अगर लोगों ने ये सब देख लिया तो हमारा इलेक्शन जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, समझ गया? ये सारा कसूर इस मनहूस टीवी का है, इसको मैं अभी तोड़ देता हूँ। छोटे, हाँ भैया, 1 घंटे के अंदर इस TV चैनल को बर्बाद कर दो, सब कुछ तबाह कर दो। ठीक है भैया। ए चलो, क्रांति TV यहाँ से कमला नगर शिफ्ट हो गया है। एक बात कल्याण राव की है, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या सुनना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कोई गुंडा लगता हूँ? मेरी बात सुनो, मैं एक अहिंसावादी हूँ। मैंने जिंदगी भर गांधी जी के रास्तों को अपनाया है, लेकिन आज मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए हर तरह की जाने चली जा रही है। भैया, अरे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जल्दी कर। तोड़ दो उसके ऑफिस को। ढूंढ रहा हूँ, उसने जगह बदल दी है, जल्दी से उसे ढूंढ के निकाल। क्रांति TV का ऑफिस यहाँ से इंदिरा नगर शिफ्ट हो गया है। चलो यहाँ से। इलेक्शन में मुझे यही लोग वोट करेंगे इसलिए मैं तुझे इन लोगों के सामने मारूंगा नहीं। बस एक बार ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद। एक बात कहूँ सर, टीवी पर आप बहुत ही हैंडसम लगते हैं। हट! अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? हो जाएगा, एक बार मिल तो जाए। हाँ, लेकिन ये तो सुना होगा ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, पर तुम्हें इजाजत है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा निकला। मैं उसकी चाल समझ गया सर, उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले ईश्वर ने अपने कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन किया, आपके खिलाफ बढ़िया से बढ़िया सबूत इकट्ठा किया। मुझे अगर पहले ही पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। अपना मुँह बंद कर, निकल यहाँ से। क्रांति टीवी का ऑफिस नेहरू नगर शिफ्ट हो गया है। अबे चलो। क्रांति टीवी का ऑफिस यहाँ पर खुला है। ए चलो। तेरे को बहुत मजे मारे तुमने। साले ले फिल्म बना कैमरामैन बनता, साले बना फिल्म बनाएगा। क्यों बे शाणे, स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा शौक है तुझको। शूटिंग करेगा तू, अब देख तेरा मैं क्या करता हूँ। हमसे पंगा लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अरे उनको मारना बंद करो। मारना बंद कर, बंद करना मारना। चुपचाप निकलो वहाँ से। आप बोलो तो मैं। अरे बोला ना, अपना मुंह बंद कर। छोटे निकलो वहाँ से जल्दी। कहा ना बंद कर मारना। अरे उसकी गर्दन से वो तलवार हटा। अरे बेवकूफ, हम तुम्हें देख पा रहे हैं। भैया फिर आप हमें कैसे देख पा रहे हैं? ये सब आपको दिखाई कैसे दे रहा है? छोटे बहस मत कर, मेरी बात समझ। इसको छोड़ दे क्या? अरे तुम टीवी पर लाइव आ रहे हो, मेरी बात समझ। अरे तो हट। अरे ये सब क्या हो रहा है? समझा मुझे। हथियार गिरा दे। बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को है? अभी तक समझा नहीं क्या? चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसी शर्मा 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नटराजन पूरे 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन में पहली बार खड़े हुए बंसी शर्मा 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उम्मीद है कि वो भारी संख्या से बहुमत ले सकते हैं। एमएलए कल्याण राव ने भारी लीड ली है और अब वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल्याण राव के सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी गोपाल राव को भी भारी संख्या में मत मिले हैं। मुकाबला कड़ा होगा। वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है और नतीजे हमारे सामने हैं। जैसा कि हमें उम्मीद थी, इस बार फिर से विजेता बने हैं एमएलए कल्याण राव। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसी शर्मा को भी भारी मत मिले हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से सिर्फ 50 वोटों से हार गए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बंद करो ये सब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया आप इलेक्शन जीत चुके हैं। कितने वोट से? पूरे 50 वोट से सर। सर वोट 50 हो या 1 लाख हो, जीत तो हमारी ही हुई ना। कितने वोट से जीता हूँ मैं? 50 वोट से भैया। इसका मतलब समझते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। पता नहीं भैया। इसका मतलब ये कि हम हारते हारते रह गए। पता है क्यों? ईश्वर की वजह से भैया। बहुत हो गया ये ईश्वर ईश्वर, उसकी लाश गिरा दूंगा मैं। बहुत सांसें गिन ली उसने। ढूंढ कर लाओ उसे। जल्दी चलो। वीणा, वीणा, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बात यह है कि एमएलए के गुंडे ईश्वर को मारने आ रहे हैं, इसीलिए मैं चली आई। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? पूछने की क्या बात है, ये घर भी तो आप ही का है। ओ ईश्वर बाहर निकाल। चलो यहाँ से। क्या बात है माँ? अपना वादा पूरा कर। कौन सा? इलेक्शन के बाद तू मेरे साथ मंदिर चलने वाला था ना। हाँ वो तो ठीक है माँ, लेकिन बहुत हो गया, अपना वादा पूरा कर। चल घर जाकर कपड़े तो बदल लूं। कोई जरूरत नहीं है, तू मुझे ले चल। अब चल। कहाँ जाना है? तिरुवन्नामले। चल आ। स्वामी स्वामी जी, मुझे अपने बेटे की बड़ी चिंता है। चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे मेरा बेटा बहुत भला है, लेकिन किसी के साथ अन्याय होते हुए ये बिल्कुल नहीं देख सकता। स्वामी जी, दूसरों के लिए लड़ते लड़ते आज ये लड़का अपनी जान खतरे में डाल चुका है। आप इसकी माँ हैं, इसीलिए चिंतित हैं, लेकिन भगवान की नजरों में सब बराबर हैं। अगर ये भगवान के चरणों में आया है तो इसकी समस्या का निवारण भी होगा। मैं अपने लिए इसकी चिंता नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इसे सही सलामत देखना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे तो मैं शांति से जी सकूं। मुझे डर है जवानी के जोश में कहीं ये लड़का किसी मुश्किल में न पड़ जाए। अब और कितनी शिकायत करोगी? तू चुप रह ईश्वर। बस किसी तरह ये अपने गुस्से पर काबू करना सीख ले। मैं बड़ी उम्मीदों से इसे आपके पास लेकर आई हूँ। स्वामी जी, मुझे निराश मत कीजिएगा। ये एक दुखियारी माँ की विनती है। स्वामी जी, इसके सर पर अपना हाथ रख दीजिए। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आपका बेटा बहुत ही होनहार लड़का है, बस इसे सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्या आपके बेटे से एकांत में बात कर सकता हूं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ईश्वर, स्वामी जी के साथ जाओ। रहने दो ना मां। कहा ना जाओ। अपनी माँ को इतना कष्ट क्यों देते हो? अरे उनकी बातों पर मत जाइए स्वामी जी, वो तो एक माँ है, वो तो बोलेगी ऐसा। उसे दुनिया के बारे में क्या मालूम? ऐसा कहने से पहले ये जान लो कि दुनिया के बारे में तुम भी कुछ नहीं जानते। इस पूरी दुनिया की बागडोर सिर्फ ऊपर वाले के हाथों में है और किसी के नहीं। और जहां तक इंसान की बात है तो वो सिर्फ कर्म से ही जाना जाता है। गांधी जी ने भी एक आम इंसान की तरह ही इस धरती पर जन्म लिया था, लेकिन अपने कर्मों की वजह से ही उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। जो तुम कर रहे हो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बुराई से लड़ने का मतलब यह नहीं कि खुद बुरे बन जाओ। इंसान को अपनी अच्छाई की मदद से शैतान की बुराई को खत्म करना चाहिए। हाँ, यह रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, पर सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारी हरकतों से लोग तुम्हें गुंडा कहेंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी माँ को एक गुंडे की माँ कहें? क्या वो इस बात को सुन पाएंगी? तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनकी इकलौती उम्मीद, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पर भगवान के पास लाई। उन्हें ठेस पहुँचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। स्वामी जी, नसीहत देना बहुत आसान काम है। मेरी जगह पर आप होते तब क्या यही बोलते? कंस को कृष्ण ने मारा, क्या वो कोई जुर्म था? देवताओं ने मिलकर असुरों का नाश किया था, तो क्या वो गलत था? बताइए ना स्वामी जी। नहीं, पर मैं ऐसा करूं तो गुंडा कहलाऊंगा ना? समाज ऐसा कहेगा। बातें करना बहुत आसान है, आप स्वामी हैं, स्वामी की तरह ही बात करेंगे, लेकिन मैं एक मामूली इंसान हूं जो अन्याय बिल्कुल नहीं सह सकता। मैंने जिंदगी में हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। कलयुग के शैतानों के लिए मेरे पास एक ही उसूल है, ईंट का जवाब पत्थर से। शराफत के नाम पर आम इंसान हमेशा झुकता आया है और शैतान पनपता आया है। यही वजह है कि इस देश में हमेशा गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर जुर्म का सहारा लेकर पनपता जाता है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों हमेशा गरीब ही पिसता रहे, ताकि वो मंदिर में आकर हमेशा अपने दुख दर्द सुनाता रहे? क्यों, है ना? आज तक हमें यही समझाया गया है कि हम गुंडे नहीं हैं। शरीफ लोगों को इन कमीने गुंडों के मुंह नहीं लाइए, और इसीलिए इन दरिंदों का आतंक बढ़ता चला जाता है। आप ही बताइए इन्हें कौन रोकेगा? सच कहूं तो आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते हैं। इसकी वजह मैं बताता हूं। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर प्रवचन देना कोई मुश्किल काम नहीं है स्वामी जी, इतना समझ लीजिए। आप खुद को स्वामी कहते हैं ना? भगवान की शक्ति पाकर आपने लाखों लोगों को आशीर्वाद दिया है। अब उस शक्ति को आजमाने का वक्त आ गया है स्वामी जी। इसलिए मैंने सोचा है कि 3 महीनों के लिए हम जगह बदलेंगे। आप मेरे घर पर रहेंगे और मैं यहां इस मंदिर में। अगर अपनी शक्ति पर आस्था है तो मेरी शर्त मानने से आपको इनकार नहीं करना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से जूझेंगे जिनसे मैं लड़ता आया हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप मेरी तरह उनसे लड़ेंगे नहीं, शांति से काम लेंगे। देखें आपकी अहिंसा की शक्ति, भगवान की शक्ति। आज से यहां का स्वामी मैं हूं। आज से हमारे रोल बदल चुके हैं। इस तरह क्या देख रहे हैं? 3 महीने तक आपको मेरे घर पर रहना है। जाइए। सुनो माँ। हाँ? मैं स्वामी जी की कही हर बात मानूंगा। अरे वाह, तेरा तो बोलने का तरीका ही बदल गया। आपने तो कमाल कर दिया स्वामी जी। मेरा बेटा तो पूरी तरह बदल गया। धन्यवाद स्वामी जी। चल। बाहर आया तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं करेगा। हम बदला लेगा। कहाँ है ईश्वर? स्वामी जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती हूँ? इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बड़ा ही नेक लड़का है। ईश्वर, स्वामी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। पैर छू? इसमें सोचने की क्या बात है? इसमें कोई बुराई नहीं है। दुआएं दूंगा मैं तुम्हें। सर, एक बार आप फिर से एमएलए बन गए, ये बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे? अभी मुझे इलेक्शन का टिकट हासिल करना है और फिर से एमएलए बनना है। उसके बाद मैं उस ईश्वर के लिए रचूंगा मौत का तांडव। बस एक बार मैं ये इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद चुटकियों में मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं तेरी बात बन कर आऊंगा। मैंने जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा करना मेरा पहला काम होगा, और शुरुआत अभी होगी। चलो गाड़ी निकालो रे। इस दुनिया में जीने के लिए भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। बता ईश्वर कहाँ है? मुझे नहीं पता। घर में और कोई नहीं है? जी कोई नहीं है। बात ये है कि सब लोग बाहर काम से गए हुए हैं। कहाँ गया ईश्वर? लो ये रखिए। भाई साहब इसके कितने पैसे हुए? बहन जी आप ईश्वर की माँ हैं, ईश्वर तो हमारा रखवाला है, ऐसे में हम भला आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? पैसे क्यों नहीं ले सकते भला? ईश्वर का पता बता। नहीं बताएगा? मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं। चुपचाप बता वरना। सच बता रहा हूँ। दो साले को। चल बेटा। छोटे अंदर जा, उसे घसीट कर मेरे सामने ला। निकालो सबको बाहर। तेरी तो तुम लोग खाना बनता है। अब बोल। पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। ईश्वर! ईश्वर! हे, इलेक्शन के बाद मिलने का वादा किया था ना, देख मैं आ गया। हे, कीमा बना दो साले का। साहब अब ये पहले जैसा नहीं रहा, पूरी तरह बदल गया है, इसे छोड़ दीजिए, अब ये नहीं लड़ेगा। आपसे कह रही हूँ ये नहीं लड़ेगा, जो आपकी तरह इसे मार रहे हैं, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? रोकिए उन्हें, हाथ जोड़ती हूँ, रोकिए उन्हें, दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। देखिए एमएलए साहब, मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, ये फिर कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एमएलए साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो रहम कीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अब तेरे बेटे के टुकड़े होंगे। ऐसा मत कीजिए। ये मत सोच कि तुझे माफ किया, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, ये मेरा वादा है। आज तो तुझ पर तरस खाकर मैंने तेरे बेटे को छोड़ दिया, वरना इसे मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन ज्यादा दिनों तक तू इसे बचा नहीं पाएगी। ईश्वर, ईश्वर, तू ठीक तो है ना बेटा? बस आराम की जरूरत है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बहुत खुश हो गई ना आप, इनको स्वामी के पास लेकर गई और उनकी बात मानकर देखिए क्या हो गया। आज आपकी वजह से मेरा भाई इस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोचा होता। 9 महीने तक इसे अपनी कोख में रखा और फिर बड़ा किया। इसे उनके हाथों मरने के लिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मुझसे ज्यादा इसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कहने का कोई फायदा नहीं, और आप तो मेरी बात मानेंगे नहीं, अपनी मर्जी चलाएंगे। मैं आप दोनों के लगते ही क्या हूँ। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। सच वो आज मैं मंदिर गई थी ना, इसीलिए तुमसे मिलना चाहती थी और मैं यहाँ चली आई। इस तरह मुझे क्या देख रहे हो, विभूति ही तो लगा रही हूँ ना, हमारी शादी के लिए है। शादी के लिए? सुनो बा, इधर आना। क्या हुआ बेटा? ये विभूति जरा मुझे लगा दीजिए। ये लगा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? ये मेरी माँ है इसलिए, ये मेरी बहन है इसलिए, भला हमारा क्या रिश्ता है। ए, इससे ऐसे क्यों बात कर रहा है? ये तुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है तुझसे। ओह तो ये बात है, ये ईश्वर की होने वाली पत्नी है। तू विभूति लगा। एक मिनट, देखो माँ, अगर इस घर में कोई शादी होगी तो 3 महीने बाद होगी। इसका मतलब मैं तुम्हें 3 महीने बाद ही भाभी कह पाऊंगी। 3 महीने बाद ही सही, तुम मुझसे शादी करोगे, कसम खाओ। तुम्हारी शादी ईश्वर से होगी। तुम्हें तो होना ईश्वर। हाँ, दरअसल ईश्वर तो मैं ही हूँ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमेशा बोलने वाला, दूसरों को चढ़ाने वाला, ऐसे बुद्ध बना खड़ा है। तुम्हारी शादी 3 महीने बाद ईश्वर से ही होगी, ये वादा है। आइए बहन जी, पूजा किसके नाम से करवानी है? मेरे बेटे ईश्वर के नाम से। अच्छा ईश्वर, ये बताओ कि तुम्हें भगवान से क्या चाहिए? इंसान का काम है कोशिश करना, बाकी सब तो इनके हाथों में है, इसीलिए तो हम इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आहा, देखिए बहन, यही है तिरुवन्नामल्ले की महिमा। आपका बेटा पूरी तरह बदल गया। हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जाइए पूजा करिए, जाइए। ठीक है बेटी, ओम नमः शिवाय। देखा पंडित जी कितने खुश हैं। देख बेटी, ए एमएलए, वैसे सच कहूं तो तेरी चप्पल की जगह तेरे सर पर ही है। जी सर। अरे हट, देख कोई गड़बड़ मत करना, मैं कर दूंगा। ईश्वर, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरे लोगों के जूते चप्पल लेकर टोकन दे दो। ए, भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये लो। मैं मंदिर में जाकर पूजा करके आऊंगा, तब तक मेरे चप्पल की रखवाली तुम करोगे। ये लो। जरूरत थी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? क्या बात है? अरे वो गुंडा आपकी बेइज्जती करके चला गया और आप उसका अन्याय चुपचाप खड़े खड़े सहते रहे। सुनो पद्मा, उसने मेरी बेइज्जती करके खुद की बेइज्जती की है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, उससे किसी का फायदा नहीं होता। आप तो बहुत खुश हैं ना? आपकी इच्छा तो पूरी हो गई। मेरा भाई अपमान सहता रहा सिर्फ आपका मान रखने के लिए। जा रही हूँ मैं। ए, अपना टोकन दे दे इसे। बाहर लेके आ। चल पहना दे मुझे, चुपचाप पहना दे, वरना ये काम तेरी माँ को करना होगा। सुना नहीं? किया ना? आपने 9 महीने तक मुझे अपनी कोख में पाला है, इसलिए अगर आपको बेइज्जत होने से बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा तो मुझे कोई दुख नहीं। आपने तो बिल्कुल सही कहा था, ये स्वामी जी तो हमारे ईश्वर के डुप्लीकेट हैं। तुम किसी से बहुत प्यार करती हो। ये तो आपने सही कहा स्वामी जी। ये भगवान का वरदान है। आपने बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। अब बस आप इनकी शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। ये दोनों शादी करना चाहते हैं। ओ अच्छा, सुनकर खुशी हुई। हाँ, करीब 3 महीने बाद का समय अच्छा रहेगा। इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं? अरे ईश्वर भी 3 महीने बाद ही कह रहा था। इनसे शादी करनी है ना? हाँ बिल्कुल। तो सुनो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती भगवान की भक्ति में लीन रहो। एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, पर क्या मुझे ईश्वर से दूर रहना पड़ेगा वो भी पूरे 3 महीने? इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शादी के लिए ये करना जरूरी है। इसके साथ जीवन बिताना है ना? पर ये मेरे बिना कैसे रहेगा? ये रह लेगा, आखिर इतनी सुंदर पत्नी जो मिलेगी। सुनो ईश्वर, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। चले अंदर। हाँ बोलिए स्वामी जी, जिंदगी कैसी कट रही है? मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो हम अपनी अपनी जगह वापस जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब आप सुबह शाम, दिन हो या रात हो, दोपहर हो या शाम हो, जब मुश्किलों का सामना करेंगे तो मेरी बात समझेंगे। देखते हैं आप अहिंसा का दामन कब तक पकड़े रहते हैं। जल्दी चलाओ, बहुत तेज, जल्दी चला रहे, रोकने का नहीं, चलो, आज नहीं छोड़ेगा। रोक नहीं रहा है। कौन है आप? सवाल नहीं पूछने का। चलो हमारे साथ बाहर। चलो इसे। अभी हमारे पास खुद आएगा। तू अंदर चल। मेरी बेटी को। दरवाजा खोलो। अरे चल, आज तेरा शादी है। चल। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? भैया। चल। रुको। चला बुढ़िया। ऐसा क्या देखता रहे? लगता है तो भूल गया है, हम तेरे को बोला था ना, खेल से बाहर आकर हम तेरे को छोड़ेगा नहीं। तू हमारा बहन का शादी कराया था ना, आज तेरी बहन का शादी ये भाई राजा कराएगा। इसका पति कौन बनेगा तू देखना चाहेगा? बाहर आ रहे हीरो। तू भी देख। राजा रेडी क्या? अब तेरी बहन को तो खुद आशीर्वाद देगा। चल तेरी शादी है। ईश्वर अपनी बहन को बचा। जा बेटा जल्दी जा, मुहूर्त निकल जाएगा। अब एक मिनट रुको, देखो मैंने जो गलती की है उसकी सजा कृपा करके मेरी बहन को मत दो। हाथ छोड़ने से कोई फायदा नहीं होने का। उस दिन बहुत उछलता था, आज एकदम चुपचाप है। क्या हो गया? आज कुछ नहीं करेगा। हमको तू काट के फेंकने वाला था ना। काटना क्या हो गया? काटना चल चल देखा। आज मैं कहती हूँ ईश्वर, जाके मार उसे। माला पाए ना इसको। जाना। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है ना। तो फिर साइड में हट। तेरा बहन की जिंदगी में बर्बाद कर देगा। क्या करेगा? रोकेगा मुझे? रोक ना मुझे। चल रोक ना। तू अपना होने वाला पति को छोड़कर किधर भागता? चल चल। तू ठीक तो है ना? दूर हटो, छोड़ मेरे बेटे को। क्या हुआ तुझे? स्वामी से मिलने के बाद इतना बदल गया? वो तेरी बहन है, उसकी हिफाजत करना तेरा फर्ज है। ये फर्ज तो पूरा नहीं करेगा। अब क्या तू स्वामी बन गया है? जेल से बाहर आया तो तेरा पूरा बहादुरी निकल गया। खुदकुशी करेगा। चल अपने आप को जला डाल। आज तू कुछ भी कर ले, इन दोनों का शादी लेकिन होकर ही रहेगा। मैं देखता हूँ कौन रोकेगा। ऐसा क्या देखता है? क्या करेगा? मैं तो आज मरूंगा ही, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ने वाला। अगर जान प्यारी है तो अपने आदमियों को भगा दे, वरना आज तू भी मेरे साथ जिंदा जलेगा। रुको, जानेगा जानेगा, पीछे जा। जल्दी करो ना। अब सुन, गुस्सा दिखाना मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इससे सिर्फ बर्बादी ही मिलती है। इस बात को कभी भूलना मत। इस भाई राजा की चलाई की शादी करने की हालत है। हे, तू जानता नहीं कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। अगर एक बार मुझे गुस्सा है ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार मुझसे कोई पंगा ले तो मैं उसे काट के रख देता हूँ। तुझे पता नहीं मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँ। मैं ईश्वर हूँ, यानी शंकर भगवान का दूसरा रूप। अगर तीसरी आँख खोली तो सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर जान प्यारी है तो फौरन यहाँ। अकल है तुम लोगों को? एमएलए की गाड़ी आ रही है और तुम सड़क पर नाच रहे हो। कौन से एमएलए की बात करता है? सिर्फ 50 वोट से जीतने वाले एमएलए को तू एमएलए कहता है? अगर एक बार चुनाव लड़ोगे ना तो मैं जीतूंगा और कम से कम 10,000 वोट से जीतूंगा। अगर तेरे एमएलए में वाकई हिम्मत है तो बोल उसको एक बार इस्तीफा दे और एक बार फिर से इलेक्शन में लड़के दिखाए मेरे साथ। तेरे एमएलए को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। चलाट पीछे देख, मुझे ईश्वर से कम मत समझना। चलाट, अगर मेरा खून खोल गया अबे हाथ तो यहाँ गोलियां बरसेंगी। अबे तेरी तो क्या बात है छोटे भैया, आप एक इशारा करिए और इसकी बकवास अभी बंद कर दूंगा मैं। इसे तो हम बाद में देखेंगे। गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में। चलो बैठो गाड़ी में। देखो देखो डर के भाग गए मुझसे, डरपो कहीं के। बंसी क्या बता रहे? बंदूक में तो गोली ही नहीं है। अच्छा हुआ कि उन लोगों को पता नहीं चला, वरना आज मेरी लाश यहीं बिछ जाती। आइए एमएलए साहब, स्वागत है। पसीने छूट गए ना? आज वोट मत मांगना, आज यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होने वाला। लंबे भाषण देने का शौक है ना तुझे? आज मैं तुझे एक मौका दूंगा अपनी बीवी की जान बचाने के लिए। रुक जाओ। इस इलेक्शन को हारने के बाद तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। इसे तो हम बाद में देखेंगे। अब तू मेरी बात सुन, अपनी बीवी की जान बचाने का तुझे एक मौका दूंगा। आज शहर में कोई फंक्शन है? इंदिरा नगर के हॉल में एक शादी हो रही है। अब तुम्हें उस फंक्शन में जाना होगा एक पागल बनकर। वहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हें पागल समझेंगे। सबसे पहले तुम वहाँ स्टेज पर भाषण दोगे, फिर वहाँ दुल्हन को जाकर चुम्मा दोगे। इनकार नहीं कर सकते, वरना तेरी बीवी और बच्चा। जला दे इसे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस इन्हें छोड़ दीजिए। इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ। एक्टिंग ऐसी करना कि अवार्ड मिल जाए। जाओ। और सुन, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना इन दोनों को जिंदा जला दूंगा। जाओ जाओ। जल्दी। छोड़े। जी भैया। पब्लिक के सामने ये जैसे ही तमाशा बन जाए, इसे खत्म कर देना। इस लड़की की शादी के लिए तुम लोग स्वागत के लिए खड़े हो। मुझे भी गुलाब जल चाहिए। अरे तुम लोगों के सामने तुम्हारा एमएलए खड़ा है, उसका स्वागत करो, उसे फूल माला पहनाओ, उसकी पूजा करो। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे ये क्या, इलेक्शन हारने के गम में ये पागल हो गया है। विदेश से अगर कोई आ जाए, प्रधानमंत्री का अगर कोई भाषण हो तो तुम लोग वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन तुम्हारा एमएलए खड़ा हुआ है और तुम बैठे हो। तुमने देखा इलेक्शन हारने के बाद ये आदमी कैसे पागल हो गया, क्या करें। हेलो माइक टेस्टिंग, रेडी 1 2 3 4। हेलो हेलो, हाँ आज तुम लोगों के सामने मुझे भाषण देने का मौका मिला, इसकी मुझे खुशी है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी अहिंसा का एक पुजारी हूँ, बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह, इसलिए हर बार मुझे ही चुनिए। आप लोगों का एमएलए होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि आपको बढ़िया सड़कें, बिजली, पानी सब मुहैया कराऊं, और ये सब कुछ मैं आपको मुहैया करवा के रहूंगा। मुझे अपना फर्ज पूरा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आप लोगों का एमएलए आपके लिए इतना कुछ सोचता है और आप यहाँ शादी में बैठकर हवा खा रहे हैं। कैसे नागरिक हैं आप, जरा भी अक्ल नहीं है आप लोगों को क्या? अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आपका एमएलए हूँ मैं। क्या एक नागरिक होने के नाते आप लोग मुझसे सिर्फ उम्मीदें रख सकते हैं? क्या मेरी तरफ आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता है? बताइए मुझे। आप लोगों से मिलने के लिए आज मुझे यहाँ शादी में आना पड़ा। धिक्कार है मेरी एमएलए होने पर। मुझ जैसे ही नेता की तो पूजा होनी चाहिए। आप लोग मेरे चरण भर कीजिए। छोड़ो मुझे, चलो रे। नहीं मुझे मारो मत, तुम लोगों ने जैसा काम मैंने बिल्कुल वैसा किया। मुझे मत मारो, मुझे मारो मत, मेरे परिवार को छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, बता दो, छोड़ दो मुझे। मुझसे जैसा कहा गया था मैंने सब कुछ किया, हर एक शर्त पूरी की। अब मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चे को जाने दो, मत मारो मुझे। हेलो हेलो, मुझसे जो कहा गया मैंने किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? क्यों आज तू अपनी अकड़ नहीं दिखाएगा मुझे? ये ले। ईश्वर, बंसी, 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 क्या हुआ तुम्हें? सुनो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। हेलो एम्बुलेंस। मुझे ये सब करना पड़ा ईश्वर। एमएलए ने मेरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन उनकी सारी शर्तें मान लेने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरे साथ दी कर दिया, मुझे धोखा दिया ईश्वर। ईश्वर मैंने तुम्हें हमेशा लड़ने से रोका, मना किया, लेकिन तुम्हारा रास्ता ही सही था ईश्वर। पर आज तुम्हारा ये दोस्त कहता है तुमसे, छोड़ना मत उन लोगों को। नहीं बंसी, क्या बात है? क्या हुआ यहाँ पर? साइड हटो। साहब जी नमस्ते। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ दरअसल हुआ क्या। बात यह है कि बंसी शर्मा इस बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन फिर इलेक्शन में हार जाने के कारण वो पागल हो चुका था। उसने खुद को मार दिया। देखिए सर, वो इंसान तो बहुत अच्छा था, लेकिन पागलपन के दौरे से उसने खुदकुशी कर ली। सर, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, पर एक पागल आदमी को कौन रोक सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पति बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। सच तो ये है कि इन सब ने मिलकर उन्हें फंसाया और फिर जान से मार दिया। मैं सच कह रही हूँ। माफ कर दीजिए सर, इस औरत ने अभी अभी अपने पति को हमेशा के लिए खोया। ये बिल्कुल सही कह रहा है साहब जी, ये बेचारी औरत इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका पति पागल हो चुका था। एक औरत, अरे कोई तो कुछ बोलो। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको हमारी बात झूठी लगती है तो आप सभी मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। सर इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो खुद ही 5 साल जेल में बिता कर आया है और ये 2 साल से तड़ीपार था, अभी वापस आया है। सर ये सब एमएलए के लोग हैं, बंसी को इन्हीं लोगों ने मारा है, मैंने देखा है। देखिए सर, ऐसे लोग हमेशा बड़े लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। एमएलए को हमारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ही फैसला कीजिए। यहाँ पर ईश्वर कौन है? तुम हो ईश्वर? जी हाँ। तुमने ही पुलिस को फोन किया था ना? ठीक है, जो कुछ भी जानते हो सच सच बताओ। बंसी मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। दरअसल एमएलए ने और फिर उसे जान से मार दिया गया। क्या ये बात पुलिस थाने में कह सकते हो? बिल्कुल। और मैडम आप? पुलिस स्टेशन क्या, कोर्ट में भी कहूंगी। आप दोनों आइए मेरे साथ। सुनो, इन सब को हवाला से बंद कर दो। ओके सर। चलो रे। ओके बैठो। चलो घुसो अंदर। चल क्या कर रहा है? चल अंदर। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, ये तरह से गलत है। गलत काम तो तुमने किया है, झूठी गवाही देकर। इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए तुझे? चल देता हूँ हवालात में तुझे सबूत। चल। एक मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया तुम लोगों ने। इस जुर्म के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मैं दिलवाऊंगा। सबूत मांगता है साला। थाने चलो। चलो दोनों उतर जाओ। छोटे ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। भैया ये तो ईश्वर है। अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गया था कि ये ईश्वर है। स्वागत है इंस्पेक्टर, तुमने इसे यहाँ पर लाकर अपना काम पूरा कर दिया। अब निकलो यहाँ से। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैंने आपकी पूरी मदद की है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं चाहूं तो इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आपको अंदर करवा सकता हूं। यूं समझ लीजिए कि अगर आज मैं नहीं होता तो आपको मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता था। क्या मतलब है तेरा? ये दोनों आपके खिलाफ कोर्ट में जाने को भी तैयार हैं। आपके खात्मे के लिए कोर्ट में इनकी गवाही काफी है। मैं इनको आपके पास लेकर आया ताकि आप हमेशा की तरह शान से एमएलए बने रहें, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आप ही सोचिए। आपकी जिंदगी में तो ऐश है, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, आपके पास पावर है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम तो रह गए ना ठन ठन गोपाल, इसीलिए इनाम चाहिए। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मैं भी जरूर करूंगा। अब तुम जा सकते हो। चलो थाने चलो। क्यों रे, अदालत में जाकर मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे अंदर करवाएगा तू? टक्कर लेने से पहले सोच लिया होता कि तेरे सामने खड़ा कौन है? तेरी औकात एक मामूली आदमी की है, मुझसे अकेले लड़ने निकला? बेवकूफ। पुलिस स्टेशन से लेकर अदालत तक हर किसी को खरीद सकता हूं मैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे इस लड़की का केस सॉल्व करना होगा। भूख किसे लगी है? मुझे भूख लगी है सरकार, मैं भूखा हूँ, मुझे भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। मेरी भूख मिटाएगी ना? सुनो, आज मेरी भूख मिटेगी। सरकार सरकार आप मुझे इजाजत दे दीजिए ना। मिलेगा खाना, जाओ भर पेट खाना। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बचाओ। रस्सी छोड़ना मत, तू आप छोड़ना मत रस्सी को, कह रहा हूँ मैं, रुक जा। अरे भाई, अरे भाई, अरे क्या हो गया? अरे भाई को क्या हो गया भैया? अरे भाई को क्या हो गया? अरे भाई को क्या हो गया भैया? अरे भाई को हॉस्पिटल ले चलो। अरे क्या हो गया भाई को भैया? अरे भैया, भैया बोलो। अरे भाई, अरे भाई जी, भाई जी आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर किधर नहीं है? ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बड़े से। ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा था डॉक्टर कहाँ है, ये तुझे डॉक्टर लगता है क्या? फोन कर डॉक्टर को, फोन कर, फोन करती हूँ। क्या रे, उसके फोन पर ये गाना क्यों बज रहा है? उनके फोन के बारे में उन्हीं से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछते हैं? ए, कौन है रे तू? कौन है तू? नाम है स्वामी, डॉक्टर स्वामी। हे डॉक्टर, मेरे भाई को एडमिट किया है, उनका इलाज तू ही करेगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो देख ले। अगर कुछ करने की ताकत है तो तू अपने भाई को खुद ही क्यों नहीं बचाता? तू अपने साथ इस तरह के नमूने लेकर मुझे डरा नहीं सकता। मैं किसी इंसान से नहीं डरता। अगर मैं किसी से डरता हूँ या किसी के सामने सर झुकाता हूँ तो वो है भगवान। तेरे MLA भाई को भी भगवान बचाएगा, वरना तेरा भाई तो गया। अपने दादागिरी यहाँ मत दिखाना। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है। हम डॉक्टर्स मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जीवन दान देने का काम सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, ड्यूटी पर जाना है। अबे ओ, मेरा भाई ठीक होना चाहिए। मैं ट्रीटमेंट करूँगा, बचाने का काम तो देवी माँ का है। ए, भाई से ऐसी बात करने वाला तू है कौन? डॉक्टर स्वामी। छोटे, ईश्वर तो मर गया ना? नहीं भैया। कहाँ है वो कमीना? मुझे नहीं पता। झूठ बोलती है। कहाँ है ईश्वर? बोल वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अब तो जरूर बोलेगा, हड्डियाँ तोड़ दूंगा तेरी। ए, चल मुंह खोल, बता ईश्वर कहाँ है? नहीं बताएगी। कहाँ है ईश्वर? मुंह खोल वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। नहीं बोलेगा। कहाँ? ना मुझे नहीं पता। याद आया, बोलो। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। एक बात कान खोलकर सुन ले, वो अब बचेगा नहीं। उससे तो पाताल से ढूंढ कर निकालूंगा। ये सब क्या है? ईश्वर तो अपनी जिद पर क्यों अड़ा है? क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहा है? अपनी बहन के बारे में सोच, किसी से लड़के क्या फायदा? तू कब समझेगा? देख बेटा, अब तू अपनी मनमानी बंद कर दे। ऐसा करते हैं, हम सब बैंगलोर जाकर रहेंगे। तू घर चली जा माँ, मेरी चिंता मत कर। ए, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं तेरी चिंता ना करूं? मैं अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांग रही। अपनी बात मानने के लिए मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ ताकि तू खुश रहे। अगर तुझे चोट लगी ना बेटा, तो इतना समझ ले कि मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटा। देख बेटा, मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से माँ। तो ठीक है माँ, मैं भी चली जाती हूँ। कान खोलकर सुन ले, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अर्थी को कांधा भी मत देना। चल बेटी। माँ शांति से काम लीजिए, गुस्सा मत होइए। ए, अब इससे क्या बात करना, भैंस के आगे कोई बीन बजाता है क्या? तू कब समझेगी, ये तेरी बात भी नहीं मानेगा। चल यहाँ से। भैया। स्वामी जी, ये सच है कि मैं ईश्वर को बदलने के लिए आपके पास लेकर आई थी, वो तो अपने वादे पर अड़ा है। अब मैं क्या करूँ स्वामी जी? क्या हुआ? दरअसल इसके साथ मुसीबत में है स्वामी जी। आप ही बताइए ऐसी हालत में मैं क्या करूं? स्वामी जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। रुकिए जरा, मैं वहां जाऊंगा। क्या सचमुच? हाँ, लेकिन मैं वहां अकेले जाऊंगा। हम भी चले। कह दिया ना मैंने। गोपाल जी। स्वामी जी, इनके यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। जी ठीक है। जाओ। आइए माँ जी, आइए। वापस मंदिर चले जाओ। क्यों? मैं वापस आ चुका हूं, इसलिए लौट जाओ। याद है तुमने शर्त 3 महीनों की रखी थी और वो अभी पूरे नहीं हुए। तुम लड़ना चाहते हो उनसे? तुम्हारा काम है सुबह शाम पूजा पाठ करके भक्तों को आशीर्वाद देना। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा काम क्या है। यह सच है कि मैं मंत्र विद्या सीख कर और शास्त्रों को पढ़कर तिरुवन्नामलाई मंदिर का स्वामी बन गया। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम मेरी पदवी का इस तरह मजाक उड़ाओ। तुम तो बस गुंडों से लड़ते रहते हो ना? तो और क्या करूं? उन गुंडों के सामने झुक जाऊं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मंदिर में खड़े होकर आशीर्वाद देना आसान काम है। इन जालिमों के बीच शराफत की जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है, यह अब तक तुम्हें पता चल ही चुका होगा। अब क्या कहते हो, अहिंसा से जीत पाओगे? तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो। मेरे सिद्धांतों के कारण ही आज तुम्हारी मां और बहन का मन शांत है। उन्हें यकीन है कि उनका बेटा उनकी बात को मानेगा। जहां तक एमएलए की बात है, तो उसे मैं अपने तरीके से रास्ते पर ले आऊंगा। वादा है मेरा। उस एमएलए कल्याण राव की दुश्मनी किसी स्वामी से नहीं, इस ईश्वर से है, और इसीलिए उससे मैं लड़ूंगा। नहीं, उससे मैं लड़ूंगा। जब तुम्हारी मां मंदिर में आई थी तो मैंने उन्हें एक वचन दिया था, वो ये कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मेरी बात मान जाओ। उनसे उलझना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, यहां से वापस चले जाओ। इसी में सबकी क्या मजाक है? तुम्हारे कहने पर मैं मंदिर को छोड़कर आया था और अब वापस जाने को कह रहे हो। शर्त तुमने रखी थी, इसलिए वापस तुम जाओगे। अब जाने में देर मत करो, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। कहां जा रहे हो तुम? मुझे सारी बातें बताए बिना नहीं जा सकते। सब कुछ बताता हूं, चलो। उस एमएलए को किसी भी बहाने से उसके गोडाउन में बुलाना होगा, लेकिन स्वामी को यह बात बिल्कुल ना पता चले। मेरे और स्वामी की कहानी तुम अपने तक ही रखना। अब वक्त आ गया है कि एमएलए को उसके कर्मों की सजा मिले। ए, पकड़ लो साले को। लगा दे आग। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। चलो आ जाओ। हेलो। हाँ हेलो, ईश्वर की मंगेतर, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं ना? काली मंदिर के पास आ जाइए, वो वहीं मिलेगा। क्यों रे, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? इन धमाकों की आवाज को सुनकर तुझे अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हा? तेरा प्यारा ईश्वर यहाँ पे रावण की तरह जल रहा है। वो क्या है ना कि कलयुग का राव हूँ मैं, और आज मैं दिवाली मना रहा हूँ। जब तक तू यहाँ आएगी ना, वो जलकर खाक हो चुका होगा बेचारी। क्या बात है? उसने स्वामी जी को जिंदा जला दिया। भैया आपने तो एकदम गजब कर दिया, उसे ऐसी मौत दी जैसी किसी ने सोची भी नहीं थी। मारो साले को। जा तू। स्वामी देखो हमारे घर से वापस जा रहे हैं। नहीं, अब मैं भी एक सांसारिक जीवन बिताना चाहता हूं, अपनी गृहस्थी बसाऊंगा, लेकिन कहां मुझे भी नहीं मालूम। चलता हूं, गुड लक।